हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है हम ईदगाह तक पहुंच गए और ये दो भाई हैं अपने और साथी भी हैं और इंशाल्लाह हम नमाज अदा करेंगे। तो आइए माशाल्लाह, ये ईदगाह का गेट है और यहाँ देखो माशाल्लाह अच्छी ईद है, अल्लाह का शुक्र है ईदगाह है। दुआ करते हैं आप भाई और आप भी सबके लिए दुआ करें और हम भी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। तो आ जाओ ना, यहाँ कब्र भी हैं, पुराने बुजुर्गों की लग रही है शायद। शायद बहुत पुरानी पुरानी कब्र हैं। आ जाओ ना, ये कब्रिस्तान है। यहाँ आप देखो भाई, बहुत पुरानी पुरानी कब्र हैं और यहाँ ईदगाह है, कब्रिस्तान भी हैं। और आइए आपको अंदर से दिखाएंगे हम। तो देख लो भाई, ये बहुत पुराना है, लगता है काफ़ी दिन पुराना कोई मकबरा है, तो मजार है। और एक महा मस्जिद वहाँ देख रही है। तो हम हैं इस टाइम सीरा में, सीरा कर्नाटक। और यहाँ अंदर कोई कब्र है पुरानी किसी पीर की। वो जो कर लियो इन जन्ना करी। तो माशाल्लाह कितना अच्छा वजू खाना है, देखो भाई। काफी शानदार। और ये बहुत पुरानी मस्जिद है। ये लगता है बहुत पुरानी मस्जिद है। Thank you.
तो दोस्तों फाइनली हम अपनी गाड़ी को लेके चल दिए हैं और हमने अल्लाह का शुक्र है खूब सुकून से ईद की नमाज पढ़ी और आप लोगों ने भी अच्छे तरीके से ही पढ़ी होगी। और दोस्तों कुछ साथी हमें ऐसे मिले हमारे साथ थे जो जिन्होंने दुआ तक नहीं मांगी, दुआ के लिए नहीं रुके और पहले ही भाग गए वहाँ से। उनकी वजह से थोड़ी हमें तकलीफ सहनी पड़ी क्योंकि हम ऑटो करके ले गए थे और वो ऑटो में पहले ही निकल गए हमसे, वो दुआ के लिए नहीं रुके थे। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे ये बात उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो हम चार पांच थे, हम रुके थे, तो फिर अल्लाह ने हमें ऑटो का इंतज़ाम भी किया और हम वहाँ से ऑटो ले कर फिर निकले थे गाड़ी के पास। तो अब हम गाड़ी के पास पहुँच के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके और रनिंग में हैं और निकल चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करी होगी और दुआ भी खुतबा भी सुना होगा और दुआ भी अल्लाह पाक से मांगी होगी अपने लिए भी और दूसरों की खैर बरकत के लिए भी। तो साथियों फिर मिलते हैं किसी न किसी वीडियो में। खुदा हाफिज़। तो गाइस जो पंखा चल रहा है इसको बता सकते हो आप, ये क्या काम करता है, क्यों चलता है, क्यों लगाया जाता है, आखिर इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, कुछ हमें भी पता चले, जिसको इसके बारे में जानकारी है वो भाई हमें कमेंट करके बताएं। देखो यही पंखा है, वो ये दिख रहा है जो, यही पंखा है भाई वो। देखो दोस्तों वो चल रहे हैं जो, वो पंखा आपको दिख रहे हैं, ये रहे ये पंखे हैं जो, इनके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये क्यों लगाए जाते हैं और ये क्या काम करते हैं, ठीक है? जिस भाई को भी पता है ज़रूर बताएं। ये माशाल्लाह एक प्यारा सा मदरसा है और ये होसपेट से पहले है और चित्रदुर्गा के, चित्रदुर्गा और होसपेट के बीच में है। तो मैं जब भी आता हूँ यहाँ रुकता हूँ दोस्तों, और यहाँ तो मैं रुक के ही जाता हूँ ये मदरसे पे। तो आप देख लो कितना प्यारा है, आज बकरा ईद है इसकी वजह से बच्चों की छुट्टी है। आज बकरा ईद है इस वजह से बच्चों की छुट्टी है। और ये देख लो भाई बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मदरसा है, छोटा सा है लेकिन, और यहाँ बच्चे भी छोटे छोटे ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करें, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई, ना लगे तो कोई बात ही ना है बाकी। तो साथियों आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम ज़रूर फिर और आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे।